देखो हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में बाबू आपको हमने क्या बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, दो गो मास रहकर तो दोनों मास एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह निकालने के लिए बताया। ये क्या है बाबू, ये बाबू क्या है मेरा, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना बाबू। कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर जिस एसिलेशन से खींचता है ना, जैसे पेन गिराओगे तो इसमें वेलोसिटी बल धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा है ना, है ना। तो ये वेलोसिटी जब चेंज होगा तो मेरा क्या होगा, एसिलेशन प्रोड्यूस होगा। तो किस एसिलेशन से किसी ऑब्जेक्ट को कोई भी बॉडी खींच रहा है ना, ठीक है ना, खींच रहा वो है ना, खींच रहा, ठीक बोला है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपको करवा रहा है ना। तो हमारे पास तीन गो फॉर्मूला है ना, तीन गो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है ना, ये फॉर्मूला याद रखना। ये क्या हो, फ्री फॉलिंग बॉडी का क्या, कोई भी बॉडी बाबू ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो उसका क्या इक्वेशन है, उसका क्या बोला इक्वेशन है ना, इक्वेशन है, ठीक। तो जब ये ऑब्जेक्ट वो ऊपर से नीचे गिर रहा तो बताया था वो प्लस लेंगे प्लस लेंगे प्लस लेंगे, और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, सारी जगह क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना, यही है। तो इससे रिलेटेड बाबू यही क्वेश्चन है, आगे फिर आओ और हम लोग क्वेश्चन करेंगे है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का करेंगे। इसमें तीन क्वेश्चन है, दोनों में तीन तीन क्वेश्चन है, एगो बताते हैं बाकी दो को बनाना है ना, बना के लाना कल है ना, एगो बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। देखो क्या करे, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट है ना बाबू, इट्स स्पीड एंड डिस्टेंस थ्रू इट टी बराबर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। मतलब कोई मान लो बॉडी है, बॉडी कुछ भी हो सकता है ना, वो डस्टर कापी किताब कुछ हो सकता है, बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लो बाबू यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है ना, क्या करा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या किया सर, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को बाबू पकड़ के छोड़ दिया। अरे शैतान इधर से, जैसे यही चीज है, यहाँ से पकड़ ले हो और छोड़ दो, ठीक है, तो पकड़ के छोड़ दोगे तो जिस समय पकड़ लो उस समय यू की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, यू बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, 0 मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगा, ठीक सर। और कह रहा हूँ रिलीज फ्रॉम है ना बाबू, रिलीज फ्रॉम ए हाइट, कुछ हाइट है, मान लो ये मेरे हैंड से बाबू इतना हाइट है ना बाबू, इतना हाइट पे पकड़े हुए, तो यहाँ से बाबू क्या करो, कुछ हाइट होगा है ना, और नीचे क्या अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है कि नहीं बोला है ना, ठीक बाबू, ऐसा मैं ऑन करो ना जी, शैतान हो गई यार, कुटाने के लिए तैयार है ना, सब भार पेट पीटेंगे, दोनों को पीटेंगे, आपको भी पीटेंगे, आपको भाइयों को, भाइयों को पीटेंगे, शैतान पड़ती नहीं है, 10 मिनट पहले चल जाइए। ऐसा मैं हर से था, बंद कर लीजिए, ऐसा मैं बाबू ऑन कीजिए बाबू, ठीक है। तो कितना हाइट से छोड़ा, फ्रॉम योर हाइट, कुछ हाइट होगा, 1 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कुछ हाइट होगा, इस हाइट को क्या मान लो एच मान लो, ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट कितना हो गया, एच हो गया हाइट है ना। तो कह रहा बाबू फाइंड इट्स स्पीड बाबू एंड डिस्टेंस ऑफ थ्रू इट फॉल, तो टी बराबर 1 सेकंड पे यहाँ से पकड़ के गिरा रही है ना, तो क्या करा है, टी बराबर 1 सेकंड पे क्या करा, टी बराबर 1 सेकंड पे, जैसे यहाँ से यहाँ नीचे जब गिरा ना, जी तक गिरने में कुछ टाइम लगेगा ना, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, तो कह रहा है टी बराबर 1 सेकंड पे बाबू कितना इसका स्पीड होगा और कितना ये डिस्टेंस कवर करेगा, फिर टी बराबर कितना 2 सेकंड पे कितना इसका स्पीड होगा और कितना इसका क्या होगा डिस्टेंस होगा। अरे मान लो यहाँ से पकड़ के गिरा रहे हो, ठीक है, पकड़ के गिरा रहे हैं, तो बीच में टी बराबर कहीं 1 सेकंड हुआ होगा, तो उस समय इसका मान लो यहाँ से गिरा है यहाँ पे आ गया, तो इस समय यहाँ स्पीड निकालना, इस समय क्या निकालना, यहाँ पे आ गया ऊपर से, मान लो यहाँ से पकड़ा यहाँ तक आ गया, तो इसका क्या निकालना, स्पीड निकालना है ना, स्पीड निकालना, ठीक, और उसका क्या निकालना, स्पीड निकालना और टाइम निकालना, आइए डिस्टेंस निकालना, कितना हाइट कवर करेगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालना, फिर जब 2 सेकंड यहाँ आ जाएगा तो ऊपर से कितना ये हाइट आएगा नीचे और कितना इसका स्पीड होगा यही निकालना है ना, ठीक, शांति से समझना है ना, ठीक बोला। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर, तो दिया हुआ क्या क्या है हमको बाबू, ये ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया बोला, ग्राउंड हो गया, क्या हो गया, ग्राउंड हो गया है ना, ग्राउंड हो गया, ठीक। मान लो बाबू ये यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम कुछ लगा होगा, तो कह रहा बाबू टी बराबर 1 सेकंड पे मान लो बॉल कहीं हवा में यहाँ रहा होगा बाबू, यहाँ बॉल रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लग रहा, यहाँ से यहाँ टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड है ना, 1 सेकंड टाइम दे ले, ठीक। तो कह रहा बाबू यहाँ से 1 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा है ना, मान लो ये पोजिशन ए हो गया बाबू, ये पोजिशन बी हो गया, ये ग्राउंड पे कितना हो गया, सी हो गया, तो यही हमको निकालने का रहा है ना बाबू, टी बराबर 1 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा और यहाँ पे जब बॉल होगा तो उस समय इसका क्या होगा, इस समय इसका क्या होगा बाबू, इस समय इसका स्पीड क्या होगा, यही निकालने का रहा है ना। तो पहले हमको निकालने का रहा स्पीड, निकालने का रहा स्पीड, निकालने का, तो स्पीड बराबर हमको कौन सा पड़ा, हमको नीचे गिर रहा है सर, शांति से समझना,
हमको क्या बाबू दिया हुआ क्या सर, दिया हुआ क्या, दिया हुआ क्या, यू की वैल्यू कितना दिया हुआ, जीरो दिया हुआ। ऊपर से पकड़ के छोड़ेंगे तो बॉल एट रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक बाबू, हमको और क्या दिया, जी की वैल्यू दिया हुआ, कह रहा है 9.8 लेने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ठीक बाबू, ठीक ठीक सर, और कुछ दिला है, और कुछ तो नहीं दिला है सर, है ना, नहीं दिला। तो टाइम बराबर एक सेकंड दिया हुआ, टाइम कितना दिया, एक सेकंड, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना दूर आएगा, टाइम कितना दिया हुआ, एक सेकंड दिया हुआ, है ना, एक सेकंड दिया हुआ। तो हमको क्या करा बाबू, पहले स्पीड कह रहा, तो एक सेकंड पे, एक सेकंड जब चाहो कवर क्या ऊपर से नीचे तक, तो कितना स्पीड होगा, तो कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, अगर ये वाला लगाते हैं तो यू की वैल्यू जीरो, जी की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है ना। हाँ सर, तो यही वाला तो लगी जाएगा सर, हमको यू की वैल्यू जीरो दे है ये सर, जी की वैल्यू 9.8 दे है, टाइम वन दे है, तो हमको तो यही तो लगवे करेगा भी बराबर। तो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, मोशन कैसे हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। आनंद बाबू वीडियो ऑन करो, शैतानी सब, समय ऑन करोगे बाबू कि पापा जी को फोन कर रहे हैं, आज तो इसको ना छोड़ेंगे, आज इसके पापा जी को बोलते हैं शैतान। 5:21 हो गया, 45 में फिर कहेंगे हम जाते हैं, आज जरूर फोन करते हैं शैतान, नहीं तो हम ही बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको मोशन कैसे हो रहा है सर, डाउनवर्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड में मोशन हम लोग जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना बाबू, है ना। टेक हम लोग क्या लेंगे, टेक मेरा जी इज क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा, जी इज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्यों सर, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, पॉजिटिव बाबू कैसे सर, है ना, डाउनवर्ड मोशन कैसा हो रहा है बाबू, डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ना, डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, इसीलिए जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे सर, वी बराबर कितना, यू प्लस कितना, जी टी, हाँ सर, U की वैल्यू जीरो सर, G की वैल्यू 9.8 सर, और टाइम बराबर कितना सर, टाइम कितना दे ले, एक सेकंड दे ले, तो V बराबर कितना हो जाएगा सर, 9.8 में वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, है ना, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यूनिट रख के पुट करेगा तो मीटर पर सेकंड, तो T बराबर एक सेकंड पे सर कितना वेलोसिटी है सर, इतना वेलोसिटी है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड, कह रहा है सर, और दूसरा क्या कह रहा है कि डिस्टेंस निकालने का, फाइंड द डिस्टेंस टू इट फॉल, है ना, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा ना, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक ठीक है ना, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक सेकंड में ये कितना दूरी कवर करेगा, यही निकालना, तो कौन वाला फॉर्मूला लगेंगे सर, तो एच हाइट वाला यही है ना सर, एगो ई है, एगो ई है, ठीक ना, तो दूगो में बाबू कोई भी लगा दो, भी हमको पता हो गया सर, हमको भी पता हो गया, तो भी को वैल्यू पुट कर दो, तो उससे आसान है ना बाबू कि हम यही वाला लगा दें, यूटी हमको पता है ये सर, हाफ पता है, टाइम पता है ये है, तो उगला लगा दो, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर सेकंड फॉर्मूला कितना है सर, यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यही है, यू की वैल्यू कितना दिला है सर, जीरो, टाइम कितना सर, टी बराबर 1 सेकंड, तो 0 × 1 प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितना दिया सर, 9.8 बाबू, और टाइम कितना कर रहा, 1 सेकंड का स्क्वायर कर रहा, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगा, 2 और 9.8 को डिवाइड 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, तो 9.8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इतना क्या होगा, वेलोसिटी होगा, इतना क्या होगा, हाइट होगा यार, सीधा ऑन करो ना सीधान, खाली वीडियो भूख भाग अभी ना, भर पेट पीटेंगे, सबको कूटेंगे, ठीक, इतना क्या हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, इतना क्या करा, ऊपर से जब गिरा रहे बाबू, तो एक सेकंड के बाद ऊपर से यहाँ पकड़ के गिरा रहे हो, तो एक सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4.9 मीटर कवर करेगा, एक सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, 4.9 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड, इसी तरह से दूसरा भी ऐसी कैसे करना, टी बराबर क्या करा, 2 सेकंड, तो ऐसे करना, टाइम यहाँ क्या रख देना, 2 रख देना, मल्टीप्लाई कर देना, खाली टाइम 2 रखना, मल्टीप्लाई कर देना, हाइट में क्या करना, टाइम यहाँ 2 का स्क्वायर कर देना, सोल्व कर लेना, क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा, हाइट निकल, टी बराबर 3 सेकंड, क्या करना, उसी करना, टाइम यहाँ 3 सेकंड, 9.8 मल्टीप्लाई 3 कर देना, और यहाँ टाइम कितना रखना, 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर करना, सोल्व करना आ जाए, है ना, तो बाकी 2 क्वेश्चन कल बना के ला, ठीक, अभी लिखो नहीं, नेक्स्ट बाबू, अभी शुरू शुरू में अभी समझो पहले, नेक्स्ट क्या करो, अभी जो सर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे थे, अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो सर इसमें क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं ना, ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक, तो नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे कैसे सर, ऐसे सर, ऐसे सर, है ना, अभी ऊपर से नीचे फेंका, पहला कैसे ऊपर से नीचे आ रहा था, अभी नीचे से क्या करो, ऊपर फेंको, तो नीचे से ऊपर फेंकेगा, नीचे से ऐसे ऊपर फेंकेगा, है ना, तो बाबू क्या कर रहा है कि एक सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा और एक सेकंड की स्पीड क्या होगा, यही निकालने का रहा, मतलब क्या सर, फार्मूला सब वही लगाएंगे, अभी बॉल मेरा कहाँ, नीचे है,
है ना, मोशन कैसे हो रहा है सर? ऊपर की हो रहा, तो ऊपर की ओर हो रहा है बाबू, ऊपर जाएगा कहीं पे, है ना? ठीक बोलो, है ना? तो कह रहा है सर कि 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड या 1 सेकेंड में कितना उसका स्पीड होगा, कितना हाइट कवर करेगा, है ना, कितना हाइट कवर करेगा। तो मान लो यहाँ से बाबू 1 सेकेंड में बॉल कहीं यहाँ गया, यहाँ गया 1 सेकेंड के बाद बॉल, है ना? तो यू की वैल्यू दे ले सर स्पीड ऑफ 19.16 मीटर दिया, 9.6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, यू की वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर? यू दिया हुआ, यू दिया हुआ, यू दिया हुआ, यू दिया हुआ, है ना, यू की वैल्यू दिया हुआ सर। तो टी बराबर 1 सेकेंड में यहाँ से ऊपर फेंकेगा ना जी, तो कितना हाइट कवर करेगा ये निकालने का रहा, ठीक? और यहाँ से ऊपर फेंकेगा तो टी बराबर 1 सेकेंड पे कितना स्पीड होगा, उसी तरह से दोबारा टी बराबर 2 सेकेंड या 3 सेकेंड पे निकालने का रहा, निकालने का, ठीक? अच्छी बात है, बोल, अच्छी बात है ना, अच्छी, ठीक? तो देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमको क्या दिया हो सर? दिया हुआ क्या बाबू, हमको दिया हुआ क्या है? गिवन बाबू, यू की वैल्यू दिया हुआ सर 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना, ठीक है। जी की वैल्यू दिया हुआ है, कितना ले लेंगे सर? 9.8 लेंगे, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है ना? हाँ सर, और कुछ दे ले? और कुछ नहीं दे ले, है ना? तो यू की वैल्यू दे ले तो हमको क्या निकालना बाबू? स्पीड निकालना है ना, हमको टी बराबर 1 सेकंड पे बोलो, टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, टाइम कितना दिया बोला? 1 सेकंड दिया हुआ, टाइम 1 सेकंड पे हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालना है ना। जी के वैल्यू क्या लेंगे इस केस में? मोशन ऊपर हो रहा है तो टेक जी इज क्या? निगेटिव लेंगे। जी के वैल्यू क्या ले? नहीं, ऊपर हो रहा है तो निगेटिव ले लेंगे। हाँ सर, निगेटिव ले लेंगे, ठीक सर, अच्छी बात है। तब जी की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे बोला, है ना? तो हमको वेलोसिटी निकालने का है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही वाला लगा, वी बराबर यू माइनस जी टी हो जाएगा, है ना? वी हमको पता है सर, वी हमको नहीं पता, यू पता है सर, जी पता है सर, टी पता है, सब पता है ना? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी बराबर यू माइनस जी टी हो जाएगा, है ना? वेलोसिटी, यू की वैल्यू कितना दे ले सर? 19.6 दे ले, माइनस जी की वैल्यू कितना कर रहा है? 9.8 कर रहा है, टाइम कितना? 1 सेकेंड। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? 19.6 माइनस 9.8, घटाओगे तो 9.8 आ जाएगा, इसलिए भी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हमको हाइट का रहा, कितना हाइट कवर करेगा सर? ये वाला फॉर्मूला लगा, हाइट बराबर, हाइट बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे सर? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एच बराबर कितना? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ जी की वैल्यू क्या ले लेंगे? निगेटिव ले लेंगे, है ना, ठीक बोलो। यू की वैल्यू कितना दे ले सर? 19.6 दिया हुआ, हाँ सर। टाइम कितना सर? 1 सेकंड, माइनस 1/2, 9.8 इंटू टाइम कितना? 1 सेकंड का स्क्वायर, यही इतना हाइट जाएगा, 9.6 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा सर? 2.4.49 दुनिया 98, एच की वैल्यू ये करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 19.6 इंटू 4.9 कितना आएगा धर्मवीर? धर्मवीर शैतान क्या सर? 19 में 19.6 में 4.9 मीटर, 11. अरे शैतान, 19 में 4 घटाएंगे तो 11 आएगा बाबू, नहीं कुटा एक लगता है पजरा बाबू। अरे शैतान, 19.6 माइनस 4 कितना 9, 15 में से कितना हो गया? 16, 7 हो गया, और ये 8, 4 हो गया, 14.7 आ जाएगा, इतना मीटर तक जाएगा। लिखो यह सीधा यह समय का, इतना वीडियो बंद करते जी, आज तो इसको पापा जी से जरूर बताएंगे सर। सर ऑन तो है अभी ना, ऑन है बाबू, अंतिम में ऑन करते हो, फिर 10 मिनट के बाद सर हम जाते हैं, जल्दी लिखिए, बाकी 2 क्वेश्चन बना के लाना। क्वेश्चन बनाई हो हर्षिता बाबू? सौम्या की नहीं बनाई बाबू? हाँ सर। हाँ नहीं बनाई, ठीक है बाबू, कुटाने के लिए तैयार रहिएगा, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है, ठीक है ना? आप लोग खाली सकल से मार्च होना, इधर लिख लेते आप लोग का कितना किसका छड़ी है बाबू, सब बच्चा का हिसाब किताब जरूरी हो गया करना। धर्मवीर, शुभ, हर्षिता, सबका एक एक छड़ी आज का होमवर्क।
बाकी इसका बीसी दोनों में बना के लाना, ठीक है ना। इसका बीसी क्या कीजिएगा, बना के लाइएगा, नहीं कल बना के लाओगे कूटेंगे फिर। एक छड़ी हो गया, आप लोग ध्यान देना, कुछ नहीं करना है। टाइम यहाँ कितना रखना है, 2 सेकंड रखना है, 3 में 3 सेकंड रखना है। 3 सेकंड रखोगे तो 27 और 9.8 इसमें हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव है। 3 सेकंड रखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, 2 पे रखोगे तो 4, 4 × 2 9.0 आ जाएगा। दिमाग यहाँ 3 वाला पे बाबू दिमाग खोल के बनाना। जल्दी हो जी, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है लिखिए। भोली ऐसी वाणी भोली, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जी? यस सर। नहीं बाबू? यस सर। हाँ भोली। नेक्स्ट बाबू, और कहाँ कहाँ क्वेश्चन है जी आपका? जी ग्रेविटेशन चैप्टर एकदम मन से कमांड करना। अभी इसमें भी हम थ्योरी कल भर और देखते हैं, जो जो क्वेश्चन है खोज के करवाएंगे बाबू। पहले वो मून वाला, चंद्रमा वाला करवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा दूसरा टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। देखो चंद्रमा वाला है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर एगो 17 है, एगो 18 है, 20 है एक्सरसाइज का। जल्दी बाबू, जल्दी 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 लिखिए जी। लिख रही स्वरूते? यस सर। तो सो रही हूँ शैतान सर। कहाँ सो रही हूँ? स्कूल ओपन हो गया भले? यस सर, आज से ओपन हो गया। एक बार इधर पहले आप लोग के पास हो जाएंगे ना, जनवरी लास्ट चाहे फरवरी शुरू शुरू होते होते है ना, तो फिर एक बार फरवरी लास्ट में उधर जाएंगे, बाहर निकलेंगे या मार्च फर्स्ट में। पहले सबको गया वाला डिपार्टमेंट को कूट देते हैं, श्रुति हो गई, तब फिर सौम्या उम्या को कूटेंगे। कब फाइनल एग्जाम है सौम्या? 6 फरवरी। 6 फरवरी से? यस सर। चलो 6 से कितना तक डेट निकला बाबू? सर 13, 14, 15 तक होगा। और उसके बाद किस क्लास में जाओगे? सर कल इंग्लिश क्लास क्यों नहीं होगा सर? दही चूड़ा खा रहे थे। उसके बाद 6 में जाओगे भोली? चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू। आप अनंत 8 में जाएगा कि 7 में जाएगा जी? बोला आनंद। हमको बोल रहे सर। आनंद कहाँ गया जी, सुत गया जी? हे आनंद बाबू आंख तो खोल ले, नेटवर्क उसका स्टक खोले, नेटवर्क स्टक खोल। चलो लिखो नेक्स्ट बाबू। हाँ तो 13 फरवरी का खत्म होगा, तो फिर 10 दिन टाइम देंगे पिछला कवर करने के लिए, उतना में जितना आंख में पानी डाल डाल के दम करो। नेक्स्ट बाबू, ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ बाबू 20 मीटर पर सेकेंड। बना दो इसको, दो क्वेश्चन लिखते हैं, वो अटेम्प्ट करो जब तक। सर आप क्या बोल रहे थे? आपका एग्जाम कब से आनंद? 15 से। 15 जनवरी? फरवरी? 15 जनवरी तो कई तक है, 15 फरवरी से कई तक? सर 9 एग्जाम होता है तो सर फाइनल होगा ना जी? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 बाबू, ए बॉडी इज बाबू लिखो इसको बनाता है। क्या हो रहा सर? कुछ नहीं आ गया, ठीक है।
शैतान रात ही इसको एक घंटा लगा है बाबू ये लाइनिंग वाला चक्कर में, फिर लाइनिंग आने लगा तभी मोबाइल चेंज कर दिया, ये घंटा टाइम लगा लाइनिंग नहीं आने का। ए बॉडी इज थ्रोन बाबू अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बनाओ शिवम बाबू, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न इट्स पोजिशन, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजिशन। बना तो जी क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी 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 अटेम्प्ट करो। ये सब छोटका छोटका अभी हम लोग बाबू बड़का बड़का नहीं किए, पहले जितना भी छोटका छोटका है ना उसको कर ले तो उसके बाद बड़का बड़का करेंगे। नहीं कुछ कहता है ना तो जी की वैल्यू 9.8 लो, अगर नहीं क्वेश्चन में कहता है बहुत सारा नहीं लिखा रहेगा तो जी की वैल्यू 9.8 लेना, नहीं तो 10 कहेगा तो लिखा लो, चूंकि जी का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है तो आपको 9.8 लेना है ना, नहीं कहेगा तो बाकी लिखा रहेगा 10 लिखा रहेगा तो 10 लेना। ए बॉल इज थ्रोन बाबू, A ball is thrown upward babu from the surface of the moon with a velocity, सरफेस ऑफ मून बाबू विथ ए वेलोसिटी, नंबर how much time will it take to maximum height। इस समय भी एल के जी वाला है maximum height, b number how high will it go जल्दी से अटेम्प्ट करो जी। हर्षिता खाली वीडियो बंद, इसका ध्यान कर सकता वीडियो बंद चालू करे में रहता हमको तो समझ ही नहीं आता, अटेम्प्ट करो जल्दी से बाबू, एक एक मिनट का टाइम है। जल्दी 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 गंभीर है शुभ शैतान, जल्दी बना बाबू, कितना है आंसर शुभ शिवा शिवम बाबू कितना है भोला, जल्दी बाबू अनुज क्या बोल रहे बाबू, निक्कू बाबू बना बाबू फॉर्मूला सब याद किया जी? यस सर वी वही साइड में लिखा है। हाँ कितना आएगा निको बोलो जल्दी से। यस सर जल्दी 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 बाबू जल्दी बाबू।
कितना है अनुज? राजगीर भी जाना ना, अच्छा गया निकलेंगे ना तो राजगीर को कूटते हुए निकल जाएंगे। नारदीगंज से गया होते हुए भदिया सलेरी। दयानंद वीडियो ऑन करो बाबू। अनुज सर भोला अनुज। यस सर। क्या उसको बोलते हैं, कुटाने के लिए तैयार हो बाबू? सब पीछे वाला कंप्लीट हो गया जी? अभी नहीं सर। कब बाबू? तब वो आप समझिए, हम तो इस बार ना छोड़ेंगे। 15 दिन से छुट्टी है, शैतान पढ़ता नहीं। अभी पम्मी जी फोन करते जी, 15 दिन से छुट्टी है, इसको अभी तक खोल भी नहीं किया। शैतान बीरबल की खिचड़ी बनाता इसे। देखो वो कैसे करेंगे, जो बन गया नहीं बना तो छोड़ो, कलम रोको, सीखो आगे। 22 मीटर पर सेकंड आ रहा है। एकड़ कितना आया? सीखा ना सर। मीटर पर सेकंड आएगा ये? नहीं सर, 22 सेकंड। नहीं गलती है। देखो बाबू ये बटीज बाबू थ्रोन अपवर्ड बाबू विथ अ वेलोसिटी अबाउट 20 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन? मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं बाबू, मतलब कुछ नहीं भोला, कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं। क्या आप कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं हम कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो, जैसे कोई बड़ी ऊपर थ्रो किया है ना, ठीक सर, ऊपर थ्रो किया कोई बड़ी को, हाँ सर, बॉल है दुगो, है ना, ठीक। अब मन से पढ़ो, क्या हुआ? 20.4 सेकंड आएगा। गलती है। ये बड़ी को क्या कर, ये बड़ी को ऊपर फेंका, मान लो ये बॉल है, इसको ऊपर फेंका, ठीक। तो क्वेश्चन क्या करा, ऊपर फेंक रहे हो तो यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा ओरिजिनल पोजीशन तक, तो कितना टाइम लगेगा? मतलब क्या सर, क्या सर, जैसे यहाँ बॉल है, ठीक है, अभी इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हाइट गया, अब फिर इसी हाइट तक क्या होगा, घूम के यहीं तक आएगा, तो कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना, रिटर्निंग है ना वो, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ से इसको फेंका सर, ऊपर गया सर, फिर ऊपर से घूम के यहाँ तक आया सर, तो टोटल टाइम निकलना, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकलना है ना। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, अगर डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, कौन सा कलर बनाएंगे? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट सर। हाँ ठीक, नेक्स्ट हो, मान लो यहाँ पे बॉल है, ठीक सर, इसको ऊपर फेंका, धर्मवीर को तो और कूटेंगे, ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यही जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ना बोला, हाँ सर। फिर बाबू यहाँ से क्या होगा, घूम के नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर गया बाबू, यहाँ से क्या किया, ऊपर गया, ठीक, फिर यहाँ से बॉल घूम के क्या आएगा, नीचे आएगा, इसी पोजिशन पे आएगा, यहाँ से ऊपर गया है ना, ठीक सर, फिर बॉल घूम के कहाँ आएगा, इसी पोजीशन पे आएगा, आएगा ना जी, ऊपर जाएगा फिर इसी पोजीशन पे आएगा, ठीक ठीक सर, है ना। तो कह रहा कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो जाने का टाइम निकालो ना। आपको बताए थे बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट में बाबू एकदम मास्क खोल कर, जब एग्जामिनेशन पढ़ा रहे थे तो सबसे लास्ट वाला लिखा था, जितना कोई भी ऑब्जेक्ट को जाने में टाइम लगता है, जब ये इक्वेशन लिखाएं तो उसमें 6 गो उसका कंसेप्ट करके 5 गो 6 गो कंसेप्ट लिखाएं, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिखाए थे, है ना, इसी दिन के लिए लिखाए थे, है ना। देखो वहां पे जब ये बाबू ऊपर जा रहा है ना, तो जितना समय में ऊपर जाएगा उतना ही समय में ऊपर से नीचे आएगा, टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होता है, जाने का टाइम और प्लस आने का टाइम दोनों सेम होता है। मान लो 5 सेकंड ऊपर जाएगा, 5 सेकंड में ऊपर जाने में लगेगा, तो 5 सेकंड में नीचे लगेगा आने में, उसको आने में यहाँ तक 5 सेकंड लगा, 4 सेकंड मान लो ऊपर जाने में लग रहा है, तो वहां से नीचे आने में कितना लगेगा, उतना ही सेकंड लगेगा। जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है, सेम होता, बदलता नहीं है कि मान लो 4 सेकंड ऊपर जाएगा तो नीचे 2 सेकंड में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों सेम होता है, सेम होता है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं सर, जाने वाला टाइम निकाल लेते हैं सर, जितना जाने में टाइम लगेगा उतना आने में टाइम लगेगा, दोनों सेम होता है सर, तो जाने वाला टाइम निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट जाकर रुक जाएगा वही ना मैक्सिमम हाइट होगा, उतना ही तक मिल जाएगा जी, उसके बाद क्या होगा, नीचे आएगा, तो मैक्सिमम हाइट तक इसका टाइम निकाल लेते हैं सर, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो मेरा आने वाला भी टाइम निकल जाएगा, है ना, ठीक, यही करना कुछ नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना। तो यहाँ से बाबू कहा मैक्सिमम हाइट जितना दूर तक जाएगा उसका टाइम निकाल लो, तो मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू कहीं भी फेंक रहे हो तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ना, उसके बाद क्या होता है, रुकता है, मैक्सिमम हाइट तक के बाद जाने से क्या होता है, यहाँ आया, यहाँ पे वेलोसिटी रुक जाता थोड़ा देर के लिए बॉल, है ना, रुक जाता, उसके बाद क्या करेगा, नीचे गिरेगा, तो यहाँ से फेंक रहा है तो यहाँ से जाने वाला टाइम निकाल दो, जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ऊपर से क्या होगा, आने में टाइम लगेगा, आने में टाइम लगेगा ना, ठीक, तो यही निकालना है, तो जाने का टाइम पहले निकाल लो,
तो कैसे निकलेंगे सर? दिया हुआ क्या बाबू? दिया हुआ 249 है। देखते हैं ये u की वैल्यू देला है, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं इसको सर? u बराबर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हैं, है ना? कितना वेलोसिटी से फेंक रहे हैं सर? u बराबर कितना सर? 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक रहे हैं, यही वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, है ना सर? तो u दिया हुआ सर, कितना दिया हुआ सर? 20 मीटर पर सेकंड। g की वैल्यू सर 9.8 सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर। अब जब वो कहाँ जाकर कितना दूर तक जाएगा, जब ऊपर जाके रुक जाएगा उतना ही समय तक, कितना देर तक ट्रेवल करेगा? एक घंटा दो घंटा। जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, वहीं पे जाके ही रुकेगा। तो भी की वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे बाबू, ये बहुत बड़ी स्थान बाबू, विद वेलोसिटी इतना बाबू, हाउ मच टाइम इट टू रिटर्न इज फोन, है ना? तो ये मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा? जहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम निकालो, टाइम निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? ऊपर जा रहा तो जी की वैल्यू क्या लेंगे बाबू? निगेटिव लेंगे। ऊपर जा रहा ना भोला, तो टेक जी की वैल्यू क्या लेंगे? टेक जी इज क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। जी मेरा क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, है ना? जी बराबर क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, है ना? ठीक बाबू। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कौन सा हथियार यूज करेंगे सर? तो हमको भी पते है सर, जीरो हो गया। यू की वैल्यू पते है सर, जी की वैल्यू पते है, टी की वैल्यू नहीं पता। तो जाने वाला टाइम निकाल दो, है ना बाबू? है ना बाबू? तो टाइम टेकन बाबू फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ही पोजीशन ए हो गया सर, यहाँ से ए से स्टार्ट किया सर, अब बी तक गया, है ना? यहाँ से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, है ना बाबू? है ना? तैयार बाबू, टाइम ऑफ बाबू क्या होगा? इसको टाइम ऑफ असेंट कहोगे, वो टाइम ऑफ डिसेंट कहोगे, है ना? तो टाइम टेकन, है ना बाबू, टू अचीव मैक्सिमम हाइट कितना टाइम लगेगा सर? टाइम टेकन बाबू मैक्सिमम हाइट अचीव करने में, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, अचीव बाबू मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम हाइट बाबू कितना टाइम लगेगा सर? कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे बाबू? इसके बाद नीचे लिखना फार्मूला क्या लगाएंगे बोला बाबू? भी बराबर कितना? यू प्लस जी टी, यही है सर, है ना? और सर लेकिन ऊपर मोशन हो रहा है, जी की वैल्यू क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो भी माइनस भी बराबर यू माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी कितना सर? जीरो सर। यू की वैल्यू कितना सर? 20 दिल है। कितना दिल है? 20 मीटर पर सेकंड दिल। जी की वैल्यू 9.8 लो, टाइम टी ले लो, इसको सोल्व करो। तो ये 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू टी हो जाएगा। टी की वैल्यू निकाल लो तो 20 बटा कितना? 9.8 हो जाएगा। इसको करोगे तो 2.04 आएगा, इतना सेकेंड आएगा। तो ये जाने का टाइम है सर, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है सर। तब 2.4 सेकंड जाने में लगा, तो आने में भी उतना ही लगेगा, आने में भी उतना ही लगेगा। इसीलिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा? जाने में 2.04 सेकंड लग रहा है सर, है ना? 2.04 सेकंड, तो आने में भी क्या लगेगा? इतना ही टाइम लगेगा। आने में भी क्या होगा? इतना ही टाइम लगेगा ना, है ना? तो टाइम ऑफ फ्लाई क्या हो गया? जाने का इतना टाइम हो गया, आने में भी इतना ही टाइम लगेगा। इसलिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर? टोटल टाइम बाबू, टोटल टाइम टेकन, इसी में क्या करेंगे सर? जितना जाने में उतना आने में लगेगा। तो 2.04 सर हम मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, तो 4. कितना हो जाएगा? 08 सेकंड होगा। सर उससे अच्छा v स्क्वायर वाला नहीं लगा ले? v स्क्वायर वाला लगाएंगे भोले, तो इससे क्या निकलेगा बाबू? h पता, हमको हाइट पता है जी, हाइट नहीं ना निकाले, टाइम नहीं निकालने का बाबू। लिखो बाबू, तो यही हो गया। तो टाइम बाबू हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ओरिजिनल पोजीशन, कितना सर? 0.48 सेकंड। जल्दी से लिखो अगला क्वेश्चन बोला, कहां गलत कर रहा था हम वीर सर? उतना डिवाइड में मेरा सिर्फ गलत हुआ था। ये डिवाइड में गलती कर दिया, कुटाई खोजता है। लिखो जल्दी से, कहानी बना जी। ए बाबू, ए शिवम, कहानी बना भोला शिवम, भोले शिवम बताओ। श्रुति कहानी बना भोला, चंद्रमा पे जी की वैल्यू कितना होता बाबू? अर्थ के रिस्पेक्ट में चंद्रमा पे कितना होता छोटका जी की वैल्यू बताओ श्रुति? 9.4 कह रहे हैं भोले, अर्थ के रिस्पेक्ट में चंद्रमा पे छोटका जी की वैल्यू कितना होगा श्रुति? 9.8 वो तो अर्थ पे होता, चंद्रमा पे कितना होगा? मून पे कितना होगा? मून पे कितना होगा ये ना बताओ बाबू, कितना होगा शिवानी?
कैसे वाणी कितना होगा बोले? चंद्रमा पे छोटका जी की वैल्यू, हाँ कितना होगा छोटका जी की वैल्यू अर्थ के रिस्पेक्ट में? 1.625 कुछ कुछ ऐसी होता, ठीक है बोले। ऐसे बाबू आप याद रखो, चंद्रमा पे छोटका जी के वैल्यू अर्थ के रिस्पेक्ट में 1/6 टाइम्स होता है। लिखो जल्दी से, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। इसमें भी एक आध दिन और क्वेश्चन करवा देंगे, है ना, जितना भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्रेविटेशन में मेन क्या बाबू? क्वेश्चन ही रहता है। न्यूमेरिकल थ्योरी वगैरह तो बताइए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। हर्षिता न्यूमेरिकल वगैरह तो बताइए दिए सब, है ना, इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग मास वगैरह पढ़ेंगे, मास और वेट में अंतर बाबू, है ना। हम लोग जनरली बिना मास और वेट को एक ही समझते हैं, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में दोनों अलग अलग होता है। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना वेलोसिटी से फेंके बाबू, है ना, कि वह चलना मेरा क्या चल जाए, ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस से बाहर चल जाए, ग्रेविटी उस पर काम ही नहीं करें, तो उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके वेलोसिटी कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? मून के सरफेस पे बाबू, मून के सरफेस पे क्या निकालना है आपको? जी की वैल्यू क्या निकालना कह रहा है ना? देखो शांति समझो, ये बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून। हम मून पे गए सर, एक बॉल गए मून पे, चल गए, कहाँ चले? मून पे। वहां पे बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, है ना, वहां पे ऐसे बॉल को फेंक रहे हैं ना, थ्रोन अपवर्ड बाबू, बीच है बाबू, वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। मून पे गए सर, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, कितना वेलोसिटी से? 19.6 मीटर, है ना। तो कह रहा हाउ मच टाइम इट विल टेक टू द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लगेगा? अभी बाबू इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया ना आज के सरफेस पे, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया आज के सरफेस पे। अब इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ करना है बाबू? मून के सरफेस पे। कैसा कहाँ? मून पे जाकर ऐसे बॉल खेला खेली करो, है ना, खेला खेली करो मून पे जाकर, है ना। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करोगे। मून पे पहले जी की वैल्यू अगर आप लोग, यहाँ सारा फॉर्मूला सेम रहे, यही रहेगा, खाली मेरा क्या हो जाएगा, छोटका जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। छोटका जी मेरा क्या हो जाएगा बोला? चेंज हो जाएगा, है ना, छोटका जी चेंज हो जाएगा। तो कितना छोटका जी होगा मून के सरफेस पे? तो मून के सरफेस पे जो छोटका जी का वैल्यू होता है सर, अर्थ के सरफेस से कितना होता है? 1/6 होता है, बताए थे बाबू, लिखा है दम हेडिंग दे के लिखा है ना। मून के सरफेस पे बाबू जो छोटका जी का, शैतान है, मून के सरफेस पे छोटका जी का वैल्यू हम लोग पहले यहाँ निकालेंगे सर। हमको इक्वेशन में क्या चाहिए? जी चाहिए। तो कक्कर है, ये अर्थ के सरफेस पे, मून के सरफेस पे नहीं है, चंद्रमा के सरफेस पे नहीं है, सूर्य के सरफेस पे नहीं है। जी का वैल्यू 9.8 लेते हैं, अर्थ पे लेते हैं। मून पे बार बार बोलते हैं गलत फर्क है कि जी की वैल्यू चेंज हो जाता है। हर एक प्लूटो पे जाओगे वहाँ जी की वैल्यू चेंज हो जाएगा, सन पे जाओगे वहाँ पे जी का वैल्यू चेंज होगा, हर एक जगह जी का वैल्यू छोटका जी चेंज होता है। बड़का जी चेंज नहीं होता, छोटका जी चेंज होता है। कौन होता है? छोटका जी चेंज होता है ना, बड़का जी नहीं होता, है ना, है ना। तो जी की वैल्यू बाबू मून के सरफेस पे कितना होगा, है ना बाबू? वैल्यू ऑफ बाबू अ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ मून मून के सरफेस पे कितना होगा, है ना। तो जी की जो वैल्यू होता है बाबू, जिसको हम लोग मून के सरफेस का जी का वैल्यू अलग हो जाएगा ना, तो कुछ इसको अलग नाम दे दो, मान लो बाबू जी डैश दे देते हैं, तो कितना होता जो अर्थ के सरफेस का है, है ना, जो अर्थ के सरफेस का जी है, डिवाइडेड बाई कितना? 1/6 टाइम्स होता है। अरे मेरे शैतान, अर्थ के सरफेस का जो है बाबू, अर्थ के सरफेस का जो जी है उसका क्या 1/6 टाइम्स होता है मून के सरफेस से, लिखा है बाबू हेडिंग में। तो यहाँ से वैल्यू पहले जी डैश की वैल्यू निकाल लो, तो 1.6 मल्टीप्लाई 9. कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड से बात हो जाएगा। तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू निकाल लो, या क्या होगा, जी डैश दो, चाहे जी एम दो, कुछ नहीं दो, कुछ दो, ये कितना आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा, 1.66 के आसपास में आ जाएगा। तो ये हमको पता चल गया सर कि कहाँ है सर, जी के मून के सरफेस पे जी है ना, जी के वैल्यू है ना, ठीक बाबू। अब हमको क्वेश्चन आप क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ो, कोई बॉल है बाबू, है ना सर? हाँ सर कोई बॉल है, ये क्या बाबू? मून है, क्या है? मून है मून के सरफेस पे हम लोग खड़ा है सर, है ना, यहाँ से बॉल पकड़े हुए बाबू, बॉल को ऊपर फेंक दिए सर,
है ना, बॉल को क्या किया, ऊपर फेंक दिए बाबू, है ना, ऊपर फेंक दिए कि नहीं बोला। कितना वेलोसिटी से सर, 19.6 मीटर, ये कितना वेलोसिटी से जा रहा है, 19.6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है। तो कह रहा हाउ मच टाइम इट टेल टू मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट सर, मैक्सिमम हाइट में जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ से फेंका तो मैक्सिमम हाइट तक गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जब भी मैक्सिमम हाइट कहेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो ले लेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यही आपको एज की वैल्यू निकालने का रहा, यही हाइट निकालने का रहा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लाएंगे सर, सारा फॉर्मूला यही वाला लाएंगे, खाली जीना चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो एज की वैल्यू निकालना, तो एज वाला ये वाला देखा लो, ये वाला लगा लो, है ना बाबू। तो इतना हो गया, तो गिवन क्या क्या दिया हुआ सर, जी की वैल्यू हो गया, और क्या दिया हुआ सर, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, यू की वैल्यू दिया हुआ सर 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। जी की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, ऊपर जा रहा है तो निगेटिव लेंगे, कहीं भी बाबू ऊपर फेंको तो जी की वैल्यू क्या लगा, निगेटिव लगा, जी इज क्या लगा, निगेटिव लगा, जी इज क्या होगा, निगेटिव होगा, या टेक जी इज निगेटिव, जी की वैल्यू क्या लगा, निगेटिव लगा। भी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टेक जी इज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो जी की वैल्यू जब निगेटिव लोगे, भला जब निगेटिव लोगे जी की वैल्यू, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा बताओ, जी की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे तो इक्वेशन क्या बने, एच बराबर कितना, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सर जी टी की वैल्यू सर 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हां भला यहां मत आ, यहां निगेटिव है वो, यहां निगेटिव है वो, जी की वैल्यू निगेटिव तो माइनस करेंगे, यू की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, बाकी सब वैल्यू दिया निकालो, है ना। तो ये वाला वैल्यू ले लिए सर, तो टाइम हमको तो दे लेने, तो ये वाला फार्मूला नहीं ना लगाएंगे बाबू, टाइम नहीं पता है सर, यू पता है सर, फार्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं ना लगाएंगे, इसमें टाइम हमको नहीं ना पता है सर, नहीं सर टाइम नहीं पता, नहीं पता, तो ये वाला नहीं लगाएंगे, टाइमो नहीं पता है सर, और यू पता है, यहाँ एचओ नहीं पता है, एच भी पता नहीं है सर, टाइमो नहीं पता, कैसे ये वाला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे। तो ये वाला लगाएंगे सर, हमको क्या निकालने का रहा, हाउ मच टाइम, हाँ सर यहाँ सर यू हमको सर यू पता है सर, और जी भी पता, टी भी पता, भी तो हमको फाइनल वेलोसिटी पता है ये सर, ई वाला लगाएंगे, ई वाला लगाएंगे, दिमाग खोल कर लगाएंगे, है ना, खोल कर लगाएंगे, तेज वाला ई वाला नहीं लगाएंगे सर, लाइनिंग अरे शैतान अब का हो गया इसमें जी, शैतान एक मिनट डेढ़ घंटा मेहनत बेकार हो गई जी, अच्छा ठीक है, मेहनत बेकार हो गया बाबू, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जी, एक मिनट बोला, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, ई वाला लगाएंगे, भी बराबर क्या सर, यू प्लस कितना, जी टी, यही हो गया, भी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितना सर, जीरो सर, सर माइनस होगा ना सर, हाँ माइनस हो जाएगा, यू की वैल्यू कितना सर, बी 19.6 सर, जी की वैल्यू कितना आया सर, 1.66 मीटर पर सेकंड, ई वाला जी लेना, 9.8 लगा, गलत हो जाएगा, मून पे हम लोग, कहाँ मून पे है, तो 1.66, और टाइम कितना ले लेंगे सर, टाइम कितना, टाइम तो हमको निकालना था, टी ले लो, ठीक है, यहाँ से सोल्व करो, और ये सर माइनस हो जाएगा बोला, चलो ठीक है, तो ये एगो किधर करो बाबू, तो 1.66 इंटू टी बराबर कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू यहाँ से बाबू निकालो, टी की वैल्यू निकालो बाबू, टाइम निकल जाएगा, जल्दी लिखो जी सर, 11.80 सेकंड, हाँ यहाँ टी की वैल्यू निकालो बाबू, स्पेस नहीं है मेरे पास, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू, यहाँ पे t बराबर कितना लिखेंगे सर, 19.6 बाबू, और डिवाइड बाई कितना बाबू, 1.66, तो इसको करोगे तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आता है भोला, यस सर 11.86 आता है, चलो सर 80 चलो 80 सेकंड हो गया, मतलब मून के सरफेस पे बाबू मैक्सिमम हाइट पे जाने में कितना सेकंड लगेगा, 11.80 सेकंड लगेगा, जल्दी लिखिए, है हर्षिता कार बंद कर ली बाबू, नेक्स्ट बाबू हाउ हाई इट विल गो, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जल्दी लिखो, इसमें जो चार क्वेश्चन छोड़े हैं, ए बी पहला स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन छोड़े थे ना, उसको करके लाना चार गो, नेक्स्ट इसको कैसे बनाओगे, ऊपर में बता दीजिए,
अब बाकी जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं बना वो करके लाना, बाकी हम आप लोग के पायलट से बात करवे करेंगे, कैसे छोड़ेंगे सर। नेक्स्ट बाबू, हाउ हाई बाबू इट विल गो, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा सर? तो यही ना हाइट वाला फॉर्मूला है सर, तो यही वाला लगाएंगे, बी नंबर बाबू। ये किसका नंबर सोल्यूशन था? ए नंबर था, बी नंबर बोला। एच बराबर कितना सर? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद बुक से बनाने वाला क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना बाबू, जितना सब पढ़ा देंगे उसके बाद बुक में एक्सरसाइज है, 100 क्वेश्चन है, मेंटली तैयार कर देते हैं। एच बराबर के हमको निकालना है सर, यू की वैल्यू सर 20 मीटर 19.6 मीटर दिया हुआ, टाइम कितना आ गया सर 11.80 आ गया। ऊपर जा रहा सर माइनस लेंगे, ऊपर जा रहा है तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यहाँ माइनस लेना। 1/2 जी की वैल्यू कितना सर 1.66 और टी की वैल्यू कितना सर 11.80 का स्क्वायर करना है ना, इतना ही मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लग गया सर, उससे बढ़िया तीन नंबर फार्मूला लगाते हैं सर, यू स्क्वायर प्लस 2gh। सर अभी तो वही बोल रहे थे सर, वी स्क्वायर बाबू ये वाला लगाएंगे बाबू, तो वी की वैल्यू 0 है सर, यू की वैल्यू पता है सर, और जी की वैल्यू पता है सर, एच की वैल्यू, इतना हमको कैलकुलेट करना नहीं ना पड़ेगा, लेकिन चलो दोनों लगा सकते हो, इसको कैलकुलेट करो, इसको भोला कैलकुलेट करो, दोनों लगा सकते हो कि मरेगा कितना टाइम में, 100 हो जाएगा, 83 डिवाइडेड बाई 100 11.80 × 11.80, इसको कैलकुलेट करना, हाइट की वैल्यू आएगा, ये सब किरानी गिरी है, ये सब बच्चा सब मेरा करेगा। लाइनिंग बहुत आ रहा है सर। अरे शैतान, अब मोबाइल लेना पड़ेगा बाबू, फ्लिकरिंग कैमरा फ्लिकरिंग का कल है बाबू, हम लोग इतना मेहनत किए फिर भी ना सक्सेस मिला, इसको कहते हैं कैमरा फ्लिकरिंग करना। ठीक है सर, करना ही लीव। तो होमवर्क बना के काई नहीं लाई बोले, इसमें फ्लिकरिंग सर अभी भेज दूंगी, बहुत पीटेंगे सर, तो बनाती नहीं है। ये रह रहा कि इसको बीमारी होता फ्लिकर करना।